हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी शाम का टाइम हो गया था और देखिए अभी आज की वीडियो में मैं बाबू को दिखाती हूँ। अभी बाबू जगा हुआ था तो यहाँ बड़ी मम्मी आई थी, कपड़े ले लेके आई थी बाबू के लिए। तो वही मैं उसको ना देख रही थी कि होगा कि नहीं होगा। अभी थोड़ा सा ना, अभी बहुत छोटा है तो बड़ा ही होगा, कोई भी ड्रेस उसके में बड़ा ही होगा। जब वो 1.5 महीना का बाबू हो जाएगा ना, 1.5-2 महीने का, फिर सही से इसके सारे ड्रेसेस आने लगेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी बाबू को दिखाती हूँ। अभी जगा हुआ था और मैं गोद में पे लेके बैठी हुई थी, क्योंकि बस अभी मुझे ना ऐसा मौका मिला कि वो भी देखिए कैसे एक साइड से ना मुझे देख रहा था बाबू। और अभी ऐसा मौका मिला कि ये भी जगा हुआ था और मैं भी फ्री थी, तो सोची कि चलो अभी लेके थोड़ा सा बाबू को प्यार कर लेती हूँ। और जैसे जैसे मैं बोल रही थी ना, वैसे वैसे बस वो देखे जा रहा था कि क्या बोल रहे हैं सब। तो इससे पहले मैं आपको ब्लॉग में बाबू को ठीक से दिखा नहीं पाई थी, जब बाबू हुआ था तो भी मैं ठीक से नहीं दिखा पाई थी। बट आज आप लोग बाबू से मिल लो, और आज छठी है तो बस हम लोग भी थोड़ा सा बिजी थे। और यहाँ भाई है मेरा, बड़ी मम्मी के लड़के, और उसके बाद राहुल भी यहाँ पे आ गया था। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी ना कि इसको ले, देखिए अभी पैर कलर हुए थे और बड़ा क्यूट सा लग रहा था पैर। तो ये सारी चीज़ें ना हमारे लिए भी मेमोरीज बन जाती हैं, हम लोग भी बाद में देखेंगे ये सारे ब्लॉग्स, बड़ा अच्छा लगेगा। फिर बाबू थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वो भी अपना ब्लॉग्स देखेगा, अपना बर्थ ब्लॉग देखेगा, तो बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ देखिए भाई उसको किशू कर रहा है और कितने अच्छे से ध्यान से बाबू देख रहा था। अभी मैं चलती हूँ भाभी से मिलवाने के लिए, फिर से बाबू से मिलवाने के लिए। तो अभी भाभी के ही रूम में मैं भी जा रही थी और भाई से बस मजाक चल रहा था ये कि देखो भाई सबसे पहले रेडी होके और घूम रहा है क्योंकि उसके बेटे का आज छठी है इसलिए। तो यहाँ पे यही सारी बातें चल रही थी और मैं भाभी से भी यही बोल रही थी कि देखो भाई, भाई पहले ही तैयार हो गया एकदम और यहाँ पे बाबू ना सो रहा था, मैं आई थी थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के लिए। तो बस यहाँ आई तो यहाँ पे ना जो भाभी की मम्मी थी वो सारे सामान सबसे पहले बाबू के पिताश्री तैयार हो गए घूमते हुए। बाबू के पिताश्री अब ये हो गए और कुछ नहीं, वो भी हो जाएगा, ये तो वैसे ही स्मार्ट है। और बाबू की नानी देखिए क्या लेके आई है बाबू के लिए। हाँ, ये बाबू की नानी लेके आई है, इसमें कान्हा क्या है, हनुमान बजरंग बली। ये तो यहाँ पे मैं ना सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। तो ये एक लॉकेट है बाबू के लिए। एक्चुअली मैं इस रूम में आई ना तो ये सारी चीज़ें यहाँ थी तो मैं सूट कर ली। और ये बजरंग बली है, देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है बाबू पहनेगा तो और क्यूट लगेगा। और भी सारे सामान हैं तो वो मैं आपको ना दिखा देती हूँ अभी। और इतनी रिकॉर्डिंग तो हो ही नहीं पाई थी, जितना मैं कर पाई हूँ उतना मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, यहाँ पे देख सकते हो गिफ्ट पैक में। और भी चीज़ें हैं बाबू के लिए, छोटा सा गदा है और क्या है यहाँ पे, जो हाथ में पहनने वाला बेरा होता है ना, कंगन जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ पे है। और भाभी के लिए कपड़े हैं, चूड़ी है, सिंदूर है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो हैंड वाला है, बेड़ा बोलते हैं या फिर कंगन बोलते हैं, छोटे बच्चों को पहनाते हैं, तो ये है। मैं भी ऐसे ही कुछ लेके आई हूँ बट मैं अपना कुछ ना रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई थी, इतना टाइम ही नहीं मिला था मुझे, और वहाँ से भी भागे भागे मैं आई थी। और यहाँ पर ना ड्रेसेस मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर ब्लैंकेट्स आया है जो आंटी लेके आई हैं बाबू के लिए, ये है ब्लैंकेट्स। और उसके बाद पिंक कलर में है ये, आप देख ही रहे हैं, मतलब जो भी सामने दिखा देती हूँ। एंड यहाँ पे बाबू के लिए ड्रेसेस हैं तो ये ब्लू कलर में है। और आजकल तो मतलब ठंडी है तो ठंडी वाले ही कपड़े ठीक है, गर्मी रहती है तो चलो गर्मी के इंसान खरीदता है, बट ठंडी अभी तो 2-3 महीने आराम से पड़ने वाली है, मार्च है, मार्च तक, बच्चों के लिए तो अप्रैल तक चली जाती है। तो बस बाबू के लिए ड्रेसेस हैं।
तो इसको मैं अभी ओपन करके दिखा देती हूँ। वैसे मैं ना पहले इसको निकाल नहीं रही थी कि फिर से फोल्ड करना पड़ेगा और काम बढ़ जाएगा, तो फिर भाभी ने बोला नहीं कोई बात नहीं, आप खोल के, वैसे भी इसका जो ऊपर का पॉली बैग है उसको हटाना ही है। और अभी स्पॉट्स इस रूम में ना आने का सोच रहा था, बार बार आके देख रहा था दरवाजे के पास, बट वो आ नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों, मतलब आ नहीं रहा था। फिर बीच में आया भी, तो यहाँ पर देखिए ब्लू कलर में बाबू के लिए है बेबी ड्रेस, एंड उसके बाद एक रेड कलर में है जो इसके नीचे है, उसको मैं खोल नहीं पाई और सारा चीज़ मैं खोल के नहीं दिखा पाई क्योंकि टाइम ही नहीं था। इतनी जल्दी जल्दी में मैंने ब्लॉग शूट किया। कैश फॉर्श, अरे स्पर्श भी इधर आ गया, इधर स्पर्श इधर आओ। रास्ते में बोल रहा था कि नानी घर जा रहा हूँ, नाना जी पास और हम लोग सब लोग बुलाते रहे गए स्पर्श को। स्पर्श रूम में नहीं आई, ये बाबू के लिए सॉक्स है एंड ये रेड कलर का स्वेटर एंड साथ में इसके साथ लोअर भी है। और बच्चों के कपड़े ना बहुत क्यूट क्यूट मिलते हैं, कभी भी मार्केट में जाओ छोटे बच्चे के कपड़े देखो, बड़े अच्छे लगते हैं देखने में। तो इसको मैं ना खोली नहीं कि फिर से इसको पैक करना पड़ेगा, उससे अच्छा कि मैं ऐसे ही जैसे है वैसे रख देती हूँ, क्योंकि फिर अभी ना स्पर्श को भी मुझे रेडी कराना था और यहाँ पर भाभी के लिए कपड़े हैं, तो इसको मैं खोल के नहीं दिखा पाई। स्पर्श यहाँ पे आया है तो मैं अभी बोल रही थी, देखिए आ गया। और यहाँ पे ना चीज सामान को यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रखा हुआ है ना, इसलिए वो आया है देख के, क्योंकि उसको आजकल ना बादाम बड़ा पसंद आता है, तो यहाँ पे ना भाभी से वो मांग भी रहा था बादाम। तो ये भाभी के कुछ सूट हैं एंड चूड़ी सिंदूर बिंदी आलता जो भी मतलब मायके से जो चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें हैं। स्पर्श कौन दिया, ये कौन दिया, मामी जोर से बोलो मामी, वहां भी मिल गया था। और अभी यहाँ पे मैं स्पर्श को आ गई हूँ रेडी कराने के लिए, और साथ ही मैं जो बाबू के लिए जो कपड़े लेके आई थी, कपड़े और हाथ के कंगन वगैरह, वो मैं ना दे रही हूँ। उसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला और बस जल्दी जल्दी में ही सारा कुछ हो रहा था। तो स्पर्श के लिए यहाँ पर मैं कपड़े निकाल दे रही हूँ, और इसका ना चेंज करना था मुझे, ये वाला स्वेटर निकालना था और ये जो शर्ट पहना है इसको मुझे चेंज करना है, दूसरा ड्रेस अब मैं भी इसको डालूंगी। और शाम का टाइम हो गया था, हल्का हल्का अभी मतलब अंधेरा होने वाला था, तो बस अभी बड़ी मम्मी तो आ गई हैं गांव से, भाभी लोग और भैया लोग भी अभी आने वाले हैं थोड़े टाइम में, तो मुझे भी अभी थोड़ा मैं तैयार हो जाऊंगी, मतलब चेंज कर लूँगी कुर्ती लेके, साड़ी वाड़ी तो बिल्कुल पहन के ना जब सुबह के टाइम ससुराल से जब निकली थी तो पहनने का बिल्कुल मन नहीं हुआ था, क्योंकि कल लहंगा साड़ी 3 दिन से ऐसे ही चल रहा था, इसीलिए बस मैं सूट कुर्ती पहन के ही वहाँ से निकल गई थी। और अगर आप लोग को मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी ब्लॉग अपलोड करूं आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग ब्लॉग्स देख पाओ। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग वीडियोस देखते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि मैक्सिमम ऐसा ही शो होता है, क्योंकि कि जो 70% लोग होते हैं वो ब्लॉग देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये ब्लू वाला ना मैं शर्ट डाल रही हूँ, जो इससे पहले जब आई थी ना तो पापा खरीद के स्पर्श के लिए दिए थे यहाँ से, तो वही वाला ड्रेस मैं इसको डाल दे रही हूँ अभी।
फ्रेंड्स, इसके बाद में मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी इसके बाद, क्योंकि फिर ये ब्लॉग ना फिर 16-17 मिनट का हो जाता है। इतना लंबा ब्लॉग कोई देख नहीं पाता है, बहुत ऐसा रेयर होता है कि मैं 16-17 मिनट का ब्लॉग अपलोड करती हूँ, नहीं तो 10-12 मिनट का ही रखती हूँ, ताकि आप लोग जो भी ब्लॉग्स हैं ना वो फुल वॉच कर सको। तो इस पर्स को ये वाला जैकेट मैंने डाल दिया, मम्मी भी अभी रूम में आ गई हूँ, कुछ काम था उनको, तो बस मैं इस ब्लॉग को ये पेंट करती हूँ। आगे का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा मिलेगा, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।